देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। नमस्कार, ताजा तरीन हलचलों के साथ आपके सामने मैं हूं आशुतोष मिश्रा। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर विशेष अदालत से अपना फैसला रोकने की अपील की है, क्योंकि अगर वो इस फैसले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें मौत की सजा हो सकती है। मुशर्रफ पर राजद्रोह का केस चल रहा है। याचिका गृह मंत्रालय द्वारा दायर की गई है, जिसके प्रमुख ब्रिगेडियर एजाज शाह को मुशर्रफ का बेहद करीबी माना जाता है। आपको बता दें कि मुशर्रफ पर नवंबर 2007 में संवैधानिक आपातकाल लागू करने के आरोप हैं। 76 साल के मुशर्रफ के खिलाफ 31 मार्च 2013 में देशद्रोह के मामले में आरोप तय कर मामला दर्ज किया गया था। साल 2016 में उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पाकिस्तान छोड़ दिया था, जिसके कारण इस मामले की सुनवाई में बाधा आ गई और सुनवाई को रोकना पड़ा। राजद्रोह के मामले में 19 नवंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मुशर्रफ देश में मौजूद नहीं है, इसलिए न्यायाधिकरण को उनके स्वस्थ होकर देश में वापस आने और मुकदमे का सामना करने तक इंतजार करना चाहिए। सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वो 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण को अपना फैसला सुनाने से रोके, जिसके 28 नवंबर को आने की उम्मीद है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।